बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट समर। तो आज है तीसरा या चौथा रोज़ है? आज चौथा रोज़ है। आज क्योंकि कल हम लोगों की इफ्तारी थी ना कहीं पे, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, इसलिए हम लोग ब्लॉग नहीं कर पाए। लेकिन आज हम लोग बहुत मज़े की इफ्तारी में डिशेज बना रहे हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं फ्रूट एंड क्रीम चाट। मैंने वहाँ पे इसलिए देखी क्योंकि वहाँ पे नानों बैठ के फ्रूट सारे काट रही हैं। तो फ्रूट्स एंड क्रीम चाट, चिकन टिक्का, शाशलिक, आलू के कतले, बेसन वाले चिप्स, साथ है दूसरी भी चाट है वो आलू चने वाली चाट। और मशरूबात में अभी मामू आते हैं, वो देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि मशरूबात सारे मामू के जिम्मे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। समर मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। चलो बस आपको दिखाऊंगी नाना फ्रूट्स कट कर रही हैं और वो फड़क चाट तो ऐसे बनती है। एप्पल्स, बनाना, ये है ब्लैक किशमिश और ये है खरबूजा जो नाना ने चंक्स में कट कर ली है, और साथ है क्रीम। बनाते हैं अफ्तारी। फ्रूट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कट हो गए हैं और क्रीम भी खुल चुकी है, तो अब बस ये मिक्स होने लगा। शाशलिक स्टिक्स रेडी हैं, तो इनको बस अब ऑयल में फ्राई करना है। सबसे पहले हम लोग कतले फ्राई कर रहे हैं। कतले का साइज़ देखें आप, सही वो जैसे होते हैं ना लेज वाले चिप्स, उतना साइज़ है ये। फ्रूट्स सारे कट हो गए हैं और अब चली गई है सारी क्रीम और अब होगा मिक्स। हाँ जी हो गया। साथ साथ हम लोग हम चैनल पे ये देख रहे होते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन। ये और यहाँ पे खजूरों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। मुझसे किसी ने पूछा था कि बादाम जो हैं उनके छिलके उतार के डाल लें या बादाम, तो बादाम हम लोग इसी तरह ही डालते हैं छिलके समेत ही। अगर आप चाहें तो आप इसको भिगो के इसका छिलका स्किन रिमूव करके भी आप डाल सकते हैं। आराम से प्याज से समझ, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। बस ऐसे ही सबकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये शाशलिक स्टिक्स बनेगी। फर्स्ट बैच इज रेडी एंड सेकंड बैच इज गोइंग टू फ्राई। बस ये दो ही रह गई हैं स्टिक्स, माशाल्लाह। रोजा खुल गया और अब हम लोग सब इफ्तारी कर रहे हैं। तो मैं समय मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।